नहीं तुमने गलत किया, लेकिन डांटा है उसको। क्यों डांटा है? अभी मसाज भी मिलेगा पूरा। काट ले बेटा काट ले। नहीं नहीं अभी देख रही है आंखों से, रात को बताएगी तुम्हें। नहीं नहीं अभी कैंडी को पूरा मस्त करेगी ना, तुम तुम पता लगेगा। मुझे तो लगता है जिस दिन वो नहीं करती तुम करती हो घेंगे घेंगे नींद में, क्योंकि सुबह मुझे अपने बदन पे कुत्ते के दांत के नहीं इंसान के दांत के निशान मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज रहे हैं 11:30। 11:30 से थोड़े से ऊपर हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। ये चिट्टी अपना खाना नहीं खा रही है, यहीं पे पड़ा है, ये नहीं खा रही है, नाटक कर रही है, क्योंकि जो मेरा नाश्ता होता था वो इसको इसमें डाल के खाना होता था, अब वो बंद हो गया है, तो अभी ये पूरा नाटक कर रही है। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल नहाया ही नहीं हूँ, तो ये मेरी बेबी की देन है, क्योंकि आजकल अगर उसको थोड़ा मौका मिलता है तो जल्दी बाथरूम में घुस जाती है और मुझे नहीं नहाने देती। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं जल्दी नहाई हूँ, जल्दी उठी हूँ, जल्दी उठी हूँ, इससे भी पहले उठी हूँ। ये नहीं बताया तुमने कि मैं आज तुमसे पहले उठी और तुम्हें धोखा दे के बाहर आके मैंने कॉफी पी है, क्योंकि आज तो संडे है ना, और तुमने तो कह दिया था ना आज संडे है, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो कोई कहीं नहीं जाएगा कि मतलब ये नहीं होता कि तुम उठो भी नहीं। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, भाग जाओ यहां से। अरे भागो भागो। चलो फिर मैं अंदर जाती हूँ और आज आपको कुछ तो मुझे दिखाना है जो एक सब्सक्राइबर ने ही भेजा है, और मैं आपको दिखाती हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं भी हो गई थी, और आराम से दिखाती हूँ भाई, एक बार अविनाश फ्री हो जाए, क्योंकि मैं भी अपनी आराम से कॉफी बना के पीऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बालों का भी अपॉइंटमेंट ले लूँ इन केस अगर मुझे मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बाल झाड़ू हो गए, मुझे कटवा के छोटे करना है, इतने तो छोटे कर दूंगी। मेरे बहुत दिल है कि बाल भी छोटे कर दूँ और रेड कलर करा लूँ, क्या रेड कलर बरगंडी, सोचू, क्योंकि मैं बाल बिल्कुल खराब कर दी उन्होंने इस बार का जो वो था ना, एज इन जो कलर किया वो अच्छा नहीं किया था, और फिर मैं रह गई तो रह गई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बाल बाल कुछ करा के और कटिंग करा के थोड़े से सेट कराऊं ठीक तरह से बाल। आप क्या सोचते हो, मेरे बाल बेसिकली कर्ली है, मतलब बेसिक बाल कर्ली है, लेकिन इसको अगर स्ट्रेटन कराऊं तो केराटिन वगैरह करा के स्ट्रेट करा सकती हूं मैं। आप बताइए क्या कराऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो इसने भी निकाल दिया मुझे, क्या करूं मैं, यहां गई तो मेरे को डांट पड़ेगी। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, कोको भी गायब हो गया यहां से, कोको था भी यहां पे, कोई भी नहीं है, अकेली हूं मैं। चलो कॉफी बना लेती हूं। वैसे तो अविनाश ने कहा था कि मैं कॉफी के लिए तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा, मुझे लग रहा है वो बिजी है, तब तक एक कॉफी तो पी लूं। इनके साथ अगर ये पिलाता है बाहर तो अलग बात है, वरना मैं अपनी एक कॉफी तो पी ही लूं। ये सब किसने भेज दिया? ये भेजा है ली, ये टॉय भेज दिया, एक और टॉय भेज दिया, और बॉल के साथ भेजा है। दिखाना दीदी नाम, नाम देखूं मैं किसने भेजा। नहीं नाम नहीं है ना कागज। चलो मैं देखती हूँ किसने भेजा। ये भेजा है मुझे फ्रॉम ईशा, ईशा खंडवीकर। तो ये एक लेटर के साथ, इन्होंने बहुत प्यारे से लेटर के साथ इन लोगों के लिए ये सब सामान भेजा है। ये लीश आई थिंक चेरी के काम आएगा। थैंक यू सो मच ईशा, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज गिफ्ट्स मत भेजिए, मत भेजिए, मत भेजिए, जरूरत नहीं है। इस चुड़ैल को तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है इस घर में, लेकिन इतने सारे टॉयज आ जाते हैं कि अब मैं दुकान लगाऊंगी टॉयज की। तो जी अविनाश भी अब तैयार हो चुका है, वही वाला हाफ शॉर्ट्स पहन के जिसमें कल इसकी जांघें छिल गई थी। चूंकि आज चेरी वगैरह हमारे साथ में नहीं है, तो हम लोग एक क्विक कॉफी पी के आ सकते हैं, और आके फिर आपको जो दिखाना है वो मैं आके दिखाती हूँ। जी मेरे बेबी ने मुझे धोखा नहीं दिया, आ गए हैं कॉफी लेने के लिए। बैठने को तो मिलेगा नहीं, सिर्फ कॉफी लेंगे और निकल जाएंगे। मेरा टम्बलर कहाँ है? तुमने नहीं बोला नहीं ना मेरे को, मेरे को रोज बोलना पड़ेगा। हाँ बोलना पड़ता है, हर एक अपनी चीज के लिए, हक के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है, मांगना पड़ता है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कोई देगा कैसे? किसी ने दिया आज तक मुझे कुछ बोलने के बाद भी? मैं लोगों से गाने मांगती रही, काम मांगती रही, किसी ने दिया नहीं दिया। लेकिन तुम तो छीन लेती हो ना। छीन भाई, वो तो फितरत है छीनने की मेरी, लेकिन किसी ने सामने से दिया, कुछ नहीं दिया, अब तो मैं भी नहीं मांगती। अब जब लोगों को पता है कि सामने से जो आदमी आ रहा है इसे मना करने का कोई फायदा नहीं है, छीन ही लेगा तो इसलिए कोई कुछ कहता नहीं। जाओ, और देखो भगवान को भी पता था कि आज संडे है, बारिश कर दी उन्होंने, संडे मनवा दिया। यहाँ पे अलग अलग लोग मिलने आए हैं, चिट्ठियाँ देके जा रहे हैं,
चिट्ठियाँ। डियर संभावना अविनाश टेक केयर, वी जस्ट केम फ्रॉम बोरीवली टू मीट यू नीलेश। थैंक यू नीलेश। शिखा, थैंक यू शिखा, हमें आपका मैसेज मिल गया है, हम तक पहुंच चुका है, अब बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन इतनी दूर दूर से क्यों आते हो मिलने के लिए? यहाँ पे कितने लोग और भी बताया उन्होंने, कोई तो गिफ्ट लेके आ गया था तो उन्होंने मना किया। मैंने कहा प्लीज मत एक्सेप्ट करना गिफ्ट, बेचारे लोग क्यों करते हो ऐसे। मैं तो खुश हूँ ना, मैं आप प्यार देते हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है, गिफ्ट की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आज जो मैं दिखाऊंगी ना आपको, आप कहोगे देखो ये क्या गया। तो जी चेरी और कैंडी को मैं आज घुमा के ले आई हूँ। आज से फर्स्ट डे है इनका, आज से डाइट भी चेंज, इनको राइस वाइस नहीं मिलेगा। कैंडी के तो बंद कर ही दिए थे लेकिन अब मैंने अपने हाथ में ले लिया ये। दीदी इनकी चेन खोल दो दोनों की। तो ये रही दोनों की दोनों। और चेरी तो चलने के लिए तैयार नहीं थी, कहती मैं नहीं जाऊंगी, ये देखो हालत। चल पानी पी ले पहले, आजा आजा पानी पी ले। अरे चल पानी पी ले, इधर बाथरूम में कहाँ जा रही है, पानी पी ले। बेबी ये आज अड़ गई, नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगी नीचे जाके। हाँ। पहले इसको लगा मैं बॉल से खिलाऊंगी। हाँ। फिर इसको दो राउंड के बाद समझ में आया कि ओहो ये तो एक्सरसाइज के लिए आया हूं। एक्सरसाइज है। वो चुपचाप चलती रही। हाँ। इसने क्या किया, ये ना ऐसे होने लगी, ऐसे चल रही थी। और उसके बाद मैंने बेबी इसको 6 राउंड पूरे डलवाए और उसके बाद इसने ऐसे ही कर दिया कि नहीं जाऊंगी, कर ले क्या करेगी, मुंह ऐसे कर लेती है ना ये। हाँ हाँ। Anyway, मैंने तो शुरू कर दिया, अब आज से इनकी डाइट भी चेंज कर रही हूँ मैं। आई विल मेक श्योर कि ये सब मैं अपने हाथ में ले लूँ जैसे मैंने बोला है, क्योंकि मेरे को अपनी बच्चियों को अब पतला करना है। मैं हो रही हूँ, मेरी बच्चियाँ भी हो जाए। अब आपको दिखाती हूँ मैं वो जो बहुत दूर गाँव से एक हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे लेके आ भेजा। दूर गाँव से? दूर गाँव मतलब बाहर से। तो बताओ ना कहाँ से लेके आती हूँ ना, फिर बताती हूँ। तो ये है वो सरप्राइज जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा आप करें, लेकिन ये हमारी सब्सक्राइबर ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे लिए भेजा है, मतलब मेरे लिए भेजा है, अविनाश के लिए नहीं है ये। ओह उल्टा है। एंड दिस इज माइकल कॉर्ड्स, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। और मैं आपको क्विकली लेटर भी पढ़ के बता देती हूँ, मैंने ना इसको एक्चुअली ऐसा खोल दिया है, लेकिन फिर भी आपको लेटर पढ़ के बता रही हूँ। दिस इज फ्रॉम निया यादव and she says that I'm sending you lots of love and a little surprise to cheer you up, please accept it with an open heart. So Nia from Melbourne, Australia, thank you so much Nia. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या react करूं, क्योंकि ये इतना expensive gift आप लोग भेज देते हो। I understand कि आपका प्यार है, लेकिन हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ऐसा मत करो। But ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ कि आप लोग मुझे ऐसा गिफ्ट भेजा, तो मुझे खुशी नहीं है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए काफी है। सो निया यू डिडंट रियली हैव टू डू दिस, बट स्टिल आई विल शो यू जो निया लाई है। और मैं आपको बता दूं कि इसको खोलते खोलते इसकी जर्नी भी आपको बता देती हूँ कि ये मेरे तक कैसे पहुंचा है। ये जो हमने एड्रेस दिया हुआ था पुराना अपना, उस एड्रेस से पहुंचा और वहां से पता लगा उनको, माइकल कॉर्ड्स वालों को, कि क्योंकि टीम आई थी, मतलब टीम का कोई बंदा आया था, एंड उनको पता लगा कि संभावना यहाँ पे नहीं रहती है। सो दे हैड टू कॉल मी एंड देन उन्होंने बोला कि हम मैडम ये आप ही को हैंड ओवर करेंगे और आप मिलोगी तो ही हम आपको दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे को लाइन पे आके उनको बताना पड़ा एंड दैट्स हाउ आई रिसीव्ड इट। तो ये बैग है, ये इसका बॉक्स है एंड दिस इज द बैग, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्यूट बैग फ्रॉम माइकल कॉर्ड्स, ये देख सकते हो। मैं इसका जो आई थिंक ये है, मैं उतार देती हूँ इसका कवर। सो ये मैं पूरा का पूरा अनबॉक्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। आई लव दिस बैग एंड आई एम गोइंग टू यूज इट आल्सो। इट्स अ ब्यूटीफुल बैग बेबी, बहुत सुंदर है बेबी, बहुत ही ज्यादा है ना। हाँ। आप इसका ये हटा दो पूरा, ये देखो अच्छी तरीके से। And this is how it looks. Beautiful, beautiful. It's a beautiful bag. मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। मुझे सबसे अच्छा पता है क्या इसमें लगा? हाँ। ये अगर ये आप चाहो तो ये निकाल भी सकते हो और आप ऐसे पकड़ सकते हो। ऐसे भी कैरी कर सकते हो। हाँ। ये अगर हट जाए। हाँ। तो आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो। और ये सबसे अच्छी बात है कि ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है ना। थैंक यू सो मच निया। बेबी मुझे भी बैग इतना पसंद आया ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अच्छा लगा। अमेजिंग बैग। लेकिन मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगा कि ये गिफ्ट संभावना को पसंद आया, मुझे भी पसंद आया, क्योंकि अगर किसी ने कुछ भेजा है तो हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम आप लोग प्लीज महंगे गिफ्ट ना भेजें। जैसा कि बोला गया है तो डॉग फूड भेजें, या अगर आपको मन कर रहा है तो आप हमारी तरफ से कहीं पर डोनेट कर दीजिए या किसी की मदद कर दीजिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। बट एट द सेम टाइम
टाइम थैंक यू सो मच निया कि आपने भेजा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपने भी बहुत दिल से भेजा होगा, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसे महंगे गिफ्ट ना भेजें। और हम आप लोगों से वैसे भी प्यार करते हैं, करते रहेंगे, और आप लोगों का प्यार ही काफी है। जैसे आप लोग अपने हमें कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाते हो ना, वो मोर देन इनफ है। चिट्ठी को अच्छा लगा बैग चिट्टू, इसके अंदर का भी दिखाती हूँ, देखो पूरा ही अनबॉक्स कर देती हूँ इसको। ये सब निकालने के बाद इसका अंदर का ऐसे दिखता है। ओहो हाँ, इसमें ये माइकल कॉर्स का कार्ड है और ऐसे दो तीन आई थिंक छोटे छोटे कार्ड्स रखने के लिए जगह। और मैं इमीडिएटली इस बैग को यूज करूंगी, मैं चाहूंगी कि बैग ज्यादा खराब नहीं हो, लेकिन मैं यूज जरूर करूंगी। इज देयर अ कार्ड, इज देयर समथिंग एल्स? देखो आई थिंक ये बैग वारंटी कार्ड है क्या? नहीं ऐसे ही कुछ है। नहीं नहीं ऐसे ही तो नहीं हो सकता। हाँ ऐसे ही है, आई थिंक ये कवर करने के लिए हुआ है बैग। हाँ हो सकता है। या तो ये मैं सरप्राइज आपको दिखाना चाह रही थी। तो जी आप देख सकते हो मैंने चेंज कर लिया है, हालांकि देख के ऐसा लग रहा है मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहन के सोने वाला हूँ क्योंकि मुझे टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल लगती है। मेरी बेबी ने भी चेंज कर लिया है, मेरी बेबी का तो आपको पता है नाइट सूट ही पहनेगी। मेरा नाइट सूट कैसा है जो मैंने पहना अभी? ये तो तुम बाहर पहनते हो टी शर्ट है? ये तो तुम बाहर पहनते हो टी शर्ट। गुड वॉल्यूम अप। आप होती है तो कहते हैं नीचे करो, नीचे मतलब नीचे करो। जब नीचे बोल रही हूँ मतलब थोड़ा हल्के उसमें, तो कह रहे हो कि ऊंचा कर। क्या क्या करूँ, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ आप ही बता दो ना। फिर बैलेंस कर लो ना आप। नहीं हो रहा ना, बैलेंस नहीं होती लाइफ। तो जी मैंने डिसाइड किया, मैं बाहर गया हुआ था, आते पहले मेरी बेबी ने री अनबॉक्सिंग कर दी है बैग की। और अब हमने डिसाइड किया आज हमारा मन कर रहा है कोई बहुत ही मसाला मूवी देखने का। एक्चुअली हमारा नहीं, मेरा टिपिकल मसाला मूवी। तो हमने आज तक सिम्बा नहीं देखी है, तो हम आज सिम्बा देखने का प्लान कर रहे हैं। सिम्बा देखेंगे, थोड़ा नाच गाने एक्शन वाली फिल्म ना है। हाँ। और हम आप लोग को मिलते हैं अभी दो मिनट में, कुत्ते भी देखेंगे सिम्बा। आला रे आला भी जिसको डांटा है, मैंने देखा कैंडी को ना, वो बुरा मान गई है बेटा। अरे बहुत तंग करती है ना। सॉरी नहीं नहीं, मतलब तुम और मिल जाती हो कि माफ मत करना इस आदमी को। नहीं तुमने गलत किया, लेकिन डांटा है उसको। क्यों डांटा है? अभी मसाज भी मिलेगा पूरा। काट ले बेटा काट ले। नहीं नहीं अभी देख रही है आंखों से, रात को बताएगी तुम्हें। नहीं नहीं अभी कैंडी को पूरा मसाज करेगी ना, तुम पता लगेगा। मुझे तो लगता है जिस दिन वो नहीं करती तुम करती हो घेंगे घेंगे नींद में, क्योंकि सुबह मुझे अपने बदन पे कुत्ते के दांत के नहीं इंसान के दांत के निशान मिलते हैं। लगाओ पिक्चर जल्दी। ये मेरा कोप कुछ हो गया, ये मेरी चेरिश हो गई। और अब मेरे 12 बज चुके हैं, मैं सोने जा रही हूँ। ये फिल्म देख रहा है, मेरी तो बस हो गई। मैं जो भी फिल्म समाना दिखाती है इसके साथ बैठ के पूरी देखता हूँ, लेकिन मेरी फिल्म इसने बीच में छोड़ के आ गई। बेबी फिल्म अब एक पेचीदा मोड़ पे पहुँच चुकी है। वो पेचीदा मोड़ तुम देखना और उतनी ही पेचीदगी से मुझे सुबह बताना। तो आपको मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए डू शेयर कमेंट ये क्या था? और मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं है, पता है इतने खुले में खड़ी हो। Do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is संभावना सेठ entertainment. और algorithm में लाना है दोस्तों, तो लाइक बढ़ाओ, जितने लाइक लैक्स में लाइक ला सकते हो मेरे लाइक करो, और algorithm में आए घूमे, algorithm में वीडियो घुमा दो कि घुमा दो घुमाना है। ये देखो कुत्ता तो घूम ही रहा है इधर से उधर, वीडियो नहीं घूम रहा बस। कुत्ता भूखा है ना? ओ कुत्ता डाइट पे है ना, कीटो पे। अरे तो आज में काफी फर्क दिखा कुत्ते में। कुत्ता पूरा माने हुए। ये तो जैसा एक्सरे निकला था वैसा ही हो गया।